तो भाई अब सारे इनामों का एक बार शौक करा लेते हैं, उसके बाद फिर कबूतरों का शौक कराएंगे और फिर खलीफा जी से कुछ बातें करेंगे, अपने उस्ताद मोमो पार्टी से, जो बाजियाँ उड़ती हैं दीपक मोड़बंद के नाम से, उनके सारे इनामों का भाई शौक करा रहे हैं आपको। और आदरणीय लेट चौधरी प्रवीण चावड़ी जी, तो कबूतरों का शौक कराते हैं, उससे पहले आपको पहले एक बार इनामों का शौक करा देते हैं, ठीक है भाई? तो ये सारे इनाम है भाई दीपक मोड़बंद के नाम से जितने भी हैं, धीरे धीरे आपको सब शौक कराते चल रहे हैं। और इनामों की जो तादाद है इतनी ज्यादा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार मेरा, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल कैथासिस में। भाई आज आपको जिस सक्सेस पे कबूतर का शौक कराएंगे भाई, अपने उस्ताद मोमो पार्टी से है अवा सिंह भाई, दीपक मोड़बंद के नाम से, जो कबूतर बाजी उठती है। और इनाम भाई आपको सारे दिखा दिए, एक बार इधर भी भाई दिखा दो, सारे इनाम की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इतने सालों का जो निचोड़ है ये सारा है, जितने भी कबूतर उड़ाए गए हैं बढ़िया। तो चलिए पहले अवा सिंह भाई से मिल लेते हैं, ये हमारे अवा सिंह भाई है। राम राम जी। उस्ताद जी कैसे है कबूतर का जो आपका चल रहा है शौक, कब से चल रहा है ये बताइए? शौक तो बचपन से ही है, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये गुरुजी भी हैं, और ये बड़े भाई हैं, गुरुजी भी हैं, मतलब भाई भी हैं, गुरुजी भी हैं, लगता तो चाचा रिश्ते में तो दिन है, गुरुजी भाई भी भाई बोलते हैं, और ये बड़े भाई हैं, और एक हमारे बीन पहलवान भाई थे वो गुजर गए। फोकस करके दिखा दीजिए, अब जो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें और सारा उनकी नस्लें हमारे पास जानती है, इनको बीन पहलवान जी को, जो पुराने सब कबूतर वाले सब जानते थे दीन पहलवान कौन थे, और ये तो है पुराने दोनों पम्मी भाई और रान भाई, ये बड़े भाई दीपक के, हमारे ये जितते भाई, हमारे जितते भाई बहुत अच्छे मदरासी रखते हैं भाई, आगे कभी शौक कराएंगे इन कबूतरों का। और ये हमारे दीपक भाई जी के नाम से भाई कबूतर उड़ते हैं, ये भतीजा है दीपक अपना, इनके नाम से एंट्री आती है। तो हवा सिंह भाई, आप जो कबूतरबाजी का शौक चल रहा है कितने सालों से चल रहा है, और शुरू में किसी से और भी जुड़ाव था या फिर साथ से ही जुड़ाव रहा है? हमारा मम्मू उस्ताद से जुड़ा रहा है पहले से, अमरू से पहली बार हुए थे उसी में है, सारे इतने भी हैं। अच्छा अच्छा, मम्मू उस्ताद पार्टी में ही है, किसी और में नहीं गए हम। अच्छा, जब पहन भी लग गई थी हम जब भी हट गए, लेकिन फिर भी हम मम्मू उस्ताद पार्टी में ही आए थे, हम किसी और में नहीं गए। मम्मू उस्ताद में गए, मम्मू उस्ताद में ही आप तक। तो उस्ताद जी के अंदर ऐसी क्या खासियत है, उनसे ही जुड़ाव हमेशा रहा है? मम्मू उस्ताद जैसे तो कोई आदमी नहीं है मेरे हिसाब से दिल्ली में, तो कोई है नहीं कबूतरबाजी में उस्ताद जी के नाम, बारे में जानता नहीं, दिल्ली में तो है नहीं, और दिल्ली में नहीं तो बारे में नहीं होगा कबूतरबाजी मम्मू उस्ताद से। और अपने जितने भी सागर या खलीफा है जो भी छोटे हैं उनसे सबसे जुड़ाव बहुत अच्छा रहता है उस्ताद जी का। हाँ, उनको कोई ऐसे नहीं किसी लड़के से, मतलब बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी बोलते हैं मम्मू उस्ताद आदमी है, हर चीज़ में हमने देखा कबूतरबाजी से भी हटके, मतलब कोई वैसे ही है, सब में नंबर वन आदमी है मम्मू उस्ताद। तो जो कबूतरबाजी का जो ये सफ़र रहा है इसमें आपने कौन कौन सी नस्लें उड़ाई हैं? हमने पंजाबी उड़ाए थे, पंजाबियों पर पहले बैल लग गया था। अच्छा, काबली उड़ाए थे उससे पहले, काबली उड़ाए थे फिर पंजाबी उड़ाए थे, पंजाबी पर बैल लग गया क्योंकि इनाम कहीं जाता नहीं था, यहीं आता था मोड़बंद में। अच्छा, मोड़बंद में आता था। हाँ, फर्स्ट सेकंड यहीं पर आता था ज़्यादा फर्स्ट सेकंड तो ये बैल लगा दिया था, लोगों ने आपत्ति कर दी। हाँ, वो सुनील भाई अपने, सुनील भट्टी जमन प्रधान, वो चाचा के लड़के हैं, मैं हूँ, और ये बड़े भाई हैं, ये उड़ाने वाले सारे, ये कबूतर आज इतने भी यहाँ पे, कोई किसी से कम नहीं है, सारे चैंपियन है अपने आप में, कोई अपने किसी से कम नहीं है। दिल्ली में कबूतरबाजी के नाम है, मद्रासी वाले में सब अपने आप एक नाम है, सब जानते हैं आपने। मोड़बंद गांव को पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली क्या मतलब इंडिया में जानते हैं, कोई भी नहीं, दो बाइक जीती हुई है हमने, और दिल्ली का बेस्ट मोल इंडिया IPA नाइट में दो बेल उड़ाया, दोनों के इनाम लगा है अपना, और मम्मू उस्ताद और अपने रमेश उस्ताद जी नानी वाले, उनकी दुआ है, अपने अशोक भाई हैं कोटला वाले, वही तीन उस्ताद अपने हैं जो ऐसे जो मेहनत कराते हैं, दो उस्ताद और भी हमारे वो धारपुर से दिल्ली में से, मुकेश भाई संजय भाई, योगदान जो उस्तादों का, पाँचों उस्तादों का योगदान है, अरे ये है ही उस्ताद, और तो उनके बाद यही दो उस्ताद बैठे हैं मेरे, एक ये रहे एक ये रहे, और एक भाई उस्ताद हमारे गुजरी गए, दो और भी हैं जी, वो जम्मन प्रधान जी और सुनील भट्टी, दो उस्ताद और भी हैं जम्मन प्रधान जी और सुनील भट्टी, वो भी उस्ताद जी अपने।
तो जो अगर कबूतरबाजी में मद्रासू की चलो पंजाबियों में बैन लग गए, तो उसके बाद से जो मद्रासू उड़ाने लगे, उससे पहले भी बाजी में उड़ाते थे यहाँ पे? मतलब इनाम जो लगना, इनाम कब से शुरू हुआ? मैं नाम जब पंजाबी लगे जैसे चालू हुए थे, पंजाबियों से ही चालू था। उसके बाद बैन होने के बाद जब ये मद्रासी आए, फिर भी उतने हमारे तो कबूतर एक ही मिनट में बैठ जाते हैं मद्रासी। ऐसा नहीं हुआ कि जो चाहने वाले ने सोचा पंजाबी अगर हम बैन करा दे तो इनके इनाम मिलेंगे? हाँ, ऐसा सोचा था पब्लिक ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनाम फिर भी उतने ही आते रहे। कबूतर अच्छे, मेन चीज होता है कबूतर से अच्छे रखना, उड़ाने वाले पे डिपेंड करता है वो कबूतर की पहचान कितनी है, कितना अच्छा मेहनत करवाता है। सारे रिकॉर्ड 6:30 बजे, 6:15 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे के सारे रिकॉर्ड अपने ही हैं जी, सारे रिकॉर्ड। तो अभी तक जो सफर में जो कबूतरबाजी रही है, उसमें बाजी सबसे अच्छी जो यादगार रही है, कौन सी बाजी ऐसी जिसमें अच्छा आपको अनुभव हुआ, मेरे अच्छे बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, ऐसा कोई यादगार बात? ऐसे तो नहीं बाजी है, लेकिन एक बाजी में हुआ था, गुड्डू उस्ताद आए थे हमारे छत पे सुपरवाइजर बन के, और हमारे कबूतर 6 बजे बड़ी तेज, मतलब कुछ भी बड़ी तेज थे कबूतर, लग नहीं रहे थे बैठेंगे। गुड्डू उस्ताद कह रहे थे कबूतर बैठेंगे नहीं, हमने की करेक्ट हम 6 बजे ही बैठेंगे कबूतरों को। तो उस्ताद कह रहे थे ये बैठेंगे नहीं, बहुत तेज थे कबूतर सुबह के, 6 बजे का टाइम था, उसमें 17 कबूतर उड़े थे, करेक्ट 6 बजे ही बैठाए थे हमने। गुड्डू उस्ताद कम से कम 10 बजे यहाँ से उठ के गया था, उनको शुगर था, वो मीठा नहीं खाते थे, कम से कम 4-5 बर्फी खा के गए थे, कह रहे कबूतर बहुत देखे लेकिन इतनी तेज हो गया उनका। हाँ, और उसमें थोड़ा सा पब्लिक ने शोर भी मचाया था, इनके 6-2 पे बैठे हैं, 6-2 पे बैठे हैं, फिर गुड्डू उस्ताद ने बोला था कि मैं खुद बैठा हुआ, मैं खुद बैठा हुआ था, मैं बताऊंगा कबूतर उन्होंने बैठे नहीं थे, बैठाए थे 6 बजे ही आवाज़ मारी थी, 6 बजे ही कबूतर बैठे, 6 बजे ही बैठ गए। मतलब इतनी अच्छी इनकी परवरिश की गई थी कबूतर, उड़ान में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई गई थी, टाइम टू टाइम पे बैठा लिया गया। हाँ, 6 बजे ही हमने आवाज़ मारी थी, 6 बजे ही बैठे थे, कह के बैठाए थे, और बाद उसके बाद तो हमने घड़े ही बैठा रहे थे 6:15 के बाद, 6:30 के बाद। तो हमेशा हर साल ही लगती रही है, 7:30 कोशिश तो टच में करते थे हम, 6:30 मतलब उसमें भी उतारते, लास्ट में उतारते हैं, अब भी 7:30 बजे 7:20 पे उतारे हमने कबूतर, 7:10 पे उतारे, 7:09 पे उतारे। तो अच्छा, हम कुछ जो नए हमारे कबूतरबाज है उनके लिए अगर कोई मद्रासी रखना चाहते हैं पंजाबी, उनके लिए क्या बात है, क्या है, किन चीज़ों का उनको ध्यान देना चाहिए जिससे उनकी कबूतर भाई जो मद्रासी उड़ा रहे हैं और बेहतर थोड़ा हो सके? भैया कबूतर दोनों उड़ते हैं, मद्रासी भी उड़ता है, पंजाबी भी उड़ता है, मेहनत करने वाला होना चाहिए, सब उड़ते हैं, कहने वाली बात है मद्रासी नहीं उड़ता या पंजाबी नहीं उड़ता, दोनों उड़ाओगे मद्रासी बताओ, आप मेहनत करोगे वही कबूतर उड़ेगा, पंजाबी कर लो मद्रासी तो सर कोई कर लेगा, वो भी 24 घंटा होगा। अगर किसी को बताना चाहिए नहीं पता कि मेहनत कैसे करनी है, उसे पता तो हो कैसे किस तरीके का कबूतर तैयार, रूटीन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, खान पीन क्या होना चाहिए, उस पर कुछ? भाई ये होता है उस्ताद से जुड़ के बात होती है, कोई उस्ताद बनाने पड़ेगा किसी चीज़ में भी, फिक्र उस्ताद के आगे नहीं है, उस्ताद बताता है कैसे उड़ाने पड़ेंगे, बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं, फिक्र कैसे उड़ाना है, कैसे चुगाना है, कैसे कबूतर को खुराक देनी है, ये उस्ताद बताता है, मेरे कहने से भी मैं थोड़ा सा बता दूँगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी आदमी अलग होता है, ये भी सही है बिल्कुल, कि आप कुछ कहें और वो चीज़ उनके अपोजिट हो जाए तो आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया था, मैंने ऐसा करा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो सबका अलग तरीका है, तो अपने बेहतर होगा कि आप अपने उस्ताद को ही चुनिए, उस्ताद बनाइए और उनसे ये चीज़ें गेन कीजिए कि कैसे कबूतरबाजी करनी है, कैसे उड़ान उनका रखना है, रखरखाव कैसे रहना है। बाकी माफी चाहते हैं, वीडियो बीच में रुक गई थी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमारे कुछ बीच में नए भाई आए हैं, इनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये सुमित भाई है अपने, सुमित अमाना जी, बसंतपुर गाँव से। अच्छा, तो ये कबूतरबाजी करते हैं? हाँ, कबूतरबाजी करते हैं, कबूतर है भाई पे, मद्रासी पंजाबी दोनों, मद्रासी पंजाबी शॉप कर रहे हैं, ठीक है। और आप खलीफा जी कुछ कह रहे थे, आप जो कबूतरबाजी भाई से जुड़े, तो आपको शुरू से कह रहे हैं कि जुड़े हुए हम इनसे जुड़े हैं। अच्छा, हम इनसे जुड़े कबूतरबाजी कर, मैं तो इनके साथ बच्चा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो आप कितने सालों से कर रहे हो, शुरू में कौन कौन सी नस्ल आपने उड़ाई? हमने काफली भी उड़ाए, पंजाबी भी उड़ाए, मद्रासी भी उड़ा रहे हैं, ओवरऑल आपने सब में उड़ा लिया, आपको बेस्ट कौन सी लगी? हमारा जो सर्कल था पहले से ही, अच्छा अच्छा, के साथ हम बचपन से ही कबूतरबाजी में लगे हुए थे, और जो भी धरोहर है उन्हीं के साथ लग के मिली है, वो आज हम बांट रहे हैं बच्चों में, वो आज अच्छी जगह है, बिल्कुल उनके ज्ञान पर चल के आज तक हमने कभी किसी का बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ा, जरूरी भी है। तो जो आपको जो ये सारी नस्लें आपने उड़ा भी दी, देख भी दी, तो आपको कौन सी बेस्ट ऐसा लगी, कोई ऊपर है कोई नीचे, ऐसी कोई नस्ल आप कहना चाहें? देखो ऐसा है, नस्ल सब अच्छी है, काबली भी अच्छे थे, मद्रासी भी अच्छे हैं, पंजाबी भी अच्छे हैं, लेकिन उड़ाने का सारा जितना भी क्रेडिट जाता है उड़ाने वाले के ऊपर जाता है। लेकिन अगर बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को मद्रासी पसंद है, कुछ लोगों को मद्रासी नहीं पसंद, देसी पसंद है, पंजाबी पसंद है, तो आपके नजरिए में कौन से बेस्ट होने चाहिए,
देखो कबूतर पहले देसी थे, उनसे अच्छे कबूतर नहीं है। उसके बाद पंजाबी आए वो भी अच्छे थे हमारे लिए, अब मद्रासी आ गए हैं वो भी अच्छे हमारे लिए। हमें तो शौक करना है देसी का हो, मद्रासी का हो या पंजाबी का। कहने का मतलब ये है कि कबूतर सब अपने आप में अच्छे होते हैं, उड़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और शौक करने वाले को किस तरीके का शौक करना चाहते हैं। हम उड़ाने वाले शौकीन है, कैसे कबूतर को उड़ाते हैं पंजाबी और मद्रासी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बात कहते हैं पंजाबी बेकार होता है मद्रासी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाबी भी हम लोग एक मिनट में उतारते थे, मद्रासी को भी एक मिनट में उतारते सारा कुछ। सभी यही है ट्रेनिंग देने वाले, ये नाइट में इन्होंने ट्रेनिंग दी थी कबूतरों को, बहुत अच्छे उड़े थे नाइट में। नाइट में दोनों बेर इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, 12 बजे बाद ही बैठे थे, 10-12 बजे यही उतरवा के कबूतर जाते थे। तो चलिए फिर कुछ कबूतरों का फिर आपको शौक कराते हैं। और हमारे बीच में और है भाई जीते भाई है हमारे। तो आप शौक जो कबूतरबाजी करा वो कितने साल से रहा है? और बहुत टाइम से बीन भाई के टाइम से, भाई के टाइम से, बीन भाई के टाइम से। तो पहले से अगर अपने कुछ फर्क आपको था कबूतरबाजी में, कुछ अच्छी चीजें आई हैं, कुछ बुरी चीजें ऐसी कुछ आई हैं? हाँ पहले से चेंजिंग है, पहले से बेस्ट हुई है, बेटर हुई है। तो चलिए फिर कबूतर का शौक कराते हैं आपको, और फिर आगे कभी इनके कबूतर का भी आपको शौक कराएंगे, वीडियो में बने। दोस्तों सभी भाई को नमस्कार, मेरा भाई आज आए हैं मोड़बंद में और अपने उस्ताद मोमो पार्टी से अपने हवा सिंह भाई हैं उनके कबूतरों का भाई शौक कराएंगे। और ये हमारे पम्मी भाई की हैं, ये भी हमारे उस्ताद मोमो पार्टी से हैं। एक बार कैमरे भाई हेलो बोल दीजिए। राम राम जी सर भाई से। तो भाई कबूतरों का शौक कराते हैं, उसके बाद इनाम आपको सारे दिखाई दिए, ठीक है? तो चलिए जो उड़ने वाले हैं इस बार बाजियों में, उन्होंने मई जून की बाजियाँ नहीं हो पाई, लेकिन सर्दियों की जो बाजियाँ होंगी उनके कबूतरों का शौक कराते हैं जो उड़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ पेयर हैं वो भी आपको शौक करा देंगे, ठीक है? तो भाई ये सारे कबूतर हैं जो आपको अभी शौक कराएंगे, इनमें से कुछ कबूतरों की आंखों का शौक करा देंगे, पंजे दिखा देंगे। भाई आंखों में ज़्यादा गहराई नहीं मिलेगी आपको, लेकिन उड़ान की भरपूर मात्रा है, उड़ान में फुल गारंटी वाले कबूतर हैं, सारे उड़ेंगे, सेल में नहीं है, सिर्फ शौक कराएंगे क्योंकि अभी ये सर्दियों में सारे उड़ेंगे मद्रासी, ठीक है भाई? और दूसरे ये हैं, ये सारी पट्टे हैं टोटली, इसमें मद्रासी और पंजाबी मिक्स है, ठीक है? तो चलिए कुछ कबूतर पकड़ के दिखाते हैं आपको। तो एक बार नजर मारिए, इनके कुछ पकड़ के आपको दिखाते हैं, और उधर भी हैं। देखिए करके पहले बाहर ही दिखाएंगे क्योंकि अंदर दिखाएंगे तो कबूतर डर जाएंगे, ठीक है भाई? तो बाहर आपको आंखें दिखाता हूँ मैं कुछ पकड़ के। जब पंजाबियों पर बैन लगा था उस टाइम आए थे ये। अच्छा, तो उस वही नस्ल है, थर्ड दे रखे अभी इनको। अच्छा अच्छा, तो उड़ान की क्या उड़ान आ जाती है? उड़ान पूरी है इनकी, पूछ बहुत खुली जाती है इनकी, उड़ान पूरी है इनमें, शाम तक उड़ते हैं। अच्छा, उड़ान क्या पूरी दिल्ली को पता है इनकी उड़ानों की? हाँ बिल्कुल, वो पीछे इनाम सबको दिख ही रहे हैं, इनाम तो ऐसे दिल्ली को पता नहीं है। 15 जब से बैन लगा है ना, 17-18 साल हो गए बैन लगे हुए, जब से ये उड़ रहे हैं लगातार पंजाबियों के हैं, पंजाबियों पर जब से बैन लगा है। ये पुरानी नस्ल है बीन पहलवान वाली। अच्छा, बीन पहलवान, बीन पहलवान जी के नाम से। चलिए, सहनी दुबाज हैं सारे के सारे, उन्हीं में से नस्लें हैं, उन्हीं में से नस्लें हैं, सबकी पूछ खुली है इनकी। जो कहते हैं उड़ते भी दुम खुली होती है जब नहीं, ये तो कबूतरबाज के ऊपर बात होती है। अच्छा, कैसे उड़ाना है, दुम खुली से उड़ाना है या पूछ बीच के उड़ाना है। अच्छा, ये उस पे भी, इसमें भी नुक्ते के ऊपर बात होती है, नुक्ते पे डिपेंड करता है। ठीक, नुक्ते पे डिपेंड करता है, इन पूछ खुली होती है इनकी सबकी। अच्छा अच्छा, जितने भी कबूतर हैं, अगर मैं इनको प्योर लगाता हूँ तो इनकी पूछ खुल जाती है। अच्छा, अगर क्रॉस करके लगा दो तो पूछ बंद हो जाती है, पूछ बंद हो जाएगी। ठीक ठीक, ये सब वही नस्ल है, पूछ खुली। लेकिन उड़ान भरपूर है इनमें, उड़ान पूरी है इनमें, ये पट्टे हैं अभी फर्दी है इनको, उड़ान पूरी है इनमें, गर्मी उड़ालो सर्दी उड़ालो यही उड़ते हैं, नाइट में भी यही उड़े थे, इनके ही भाई बैठा था वो। अच्छा, लास्ट सफेद पूछ का बैठा था इनमें से था वो। ठीक ठीक ठीक, वो तो किसी दे दिया भाई को, चाहने वाला कोई ले गया है, चाहने वाला भाई अपने गिफ्ट में ले गया, ये सब यही नस्ल है। कबूतर इतने ज्यादा हैं लेकिन नस्लें कुल मिला के कुछ गिनी चुनी वही हैं, उन्हीं के ही सारे पट्टे हैं, एक ही है ब्लड, जितने भी हरे हैं ना सब एक ही ब्लड है। अच्छा, एक ही ब्लड लाइन है, बस क्रॉस करके थोड़ा हरा बना दिया किसी के, कोई प्योर है। तो क्रॉस में उड़ान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उड़ान में फर्क नहीं पड़ा, बस खाली उड़ान वजूद। अच्छा, कलर और वजूद में कुछ पूछ में फर्क पड़ जाता है, क्रॉस कर देता है पूछ भी जाती है वैसे।
ये कुछ कबूतर हो रहे हैं। हाँ ये यही नस्ल है। है वजूद बड़ा छोटा है इनका, वजूद का छोटा ही रखते हैं हम, बड़े नहीं रखते पहले से ही। जो हमारे उस्ताद हैं रमेश उस्ताद लोनी वाले, अच्छा अच्छा, मम्मू उस्ताद आजादपुर मंडी दिल्ली, और अपने अशोक उस्ताद कोटला जी जी, और दो उस्ताद अलग भी है हमारे, वो नारपुर से मुकेश भाई संजय भाई। अच्छा अच्छा, उन सभी का धन्यवाद जो इतनी बढ़िया नस्ल बनवाई। नस्ल बनाने में अशोक भाई का है, अशोक भाई की, उनके तो हाथ में ऐसा जादू है, जोड़े बना दे तो भाई। कोटले वाले अशोक भाई, अशोक उड़ाने वाले हमारे मम्मू उस्ताद और रमेश उस्ताद, मैन रमेश उस्ताद। अब इनमें सब में ये देखा गया है कि चेहरा ज्यादा, मतलब आंखें गहरी नहीं है, जो लोग बाग इतना आंखों के पीछे पागल है, लेकिन उड़ान और वजूद सबसे मायने रखता है। आंखों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आंखों में उड़ान नहीं होती है, बॉडी में उड़ान होती है, बॉडी में उड़ान होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वजूद से कबूतर उड़ता है अपने। ये तो कहने वाली बात है, गहरी आंख, गहरी आंख है इनमें से किसी की, गहरी आंख नहीं है। हाँ लेकिन यही देखो शाम शाम तक उतर रहे हैं। ये सारे हरे हुए, चलिए कुछ की बैठक दिखाए थे, चेहरा तो आपने देख ही लिया है, आंखें अब आपको क्या दिखाएं, आंखें आपको बताई दी, लेकिन आप इनकी बैठक देख सकते हैं, इनका वजूद देख सकते हैं, छोटे छोटे वजूद के हैं, पतले वजूद के। और कुछ पंजाबी भी बनाए हमने, पंजाबियों का भी दिखा देते हैं। तो भाई कुछ पंजाबी दिखाते हैं हम आपको, लॉफ्ट खोलते हैं, पकड़ के दिखा दो एक बार। तब ये उड़ा लिए नहीं उड़ाए अभी इनको, उड़ा लिए सबको, उड़ा लिए, उड़ा के रोके ना सारे, सब उड़ गए, कोई भी उड़ा नहीं। ये पंजाबी है, बड़ी अच्छी है इसकी, नाइट वाली में भी उड़ी थी ये, अच्छा नाइट में उड़ी थी ये, ये इसी की बहन है। अच्छा ललसरी, ललसरी पे शानदार आँखें, ये भी इसी की बहन है, ये और है। तो यही अभी सर्दियों में भी उड़ेंगे फिर, है इन्हीं में से यही उड़ेंगे सब सर्दियों में, पचपन वाले में उड़ेंगे। हाँ सब उड़ेंगे पचपन वाले में। आंखें दिखा लो, की लेंथ देखो इसकी, कहते हैं ना लेंथ, हाँ काफी लंबी से भार, पूछ से भार होती है, और हाथ में बजू छोटा सा। ये तीनों बहने हैं, अच्छा तीनों बहने हैं ये, हाँ तीनों बहने हैं, एक और भी है इसमें सफेद में कोई, अच्छा वो इसका भाई होगा। और ये धन्ने वाली नस्ल में से, अच्छा धन्ने वाली नस्ल में से बोलते तो तुम्हें धन्ने वाली है, इसके रंग पीला रहता है, का पीला पन है, कोई कुछ बोलता है इसको, कोई कुछ बोलता है, ये तांबड़ी सी बोलते हैं, हाँ लाल सैंदी सी कहते हैं, सैंदी तो क्या है, नहीं वो लाल तांबड़ी बोलते हैं पंजाब में, पीले में निकल है, टटीने भी हैं, टटीरी। अब सब मच्छी कबूतरी काली पंजाबन, हाँ काली पंजाबियों में तो काले नहीं देखने को मिलते, बहुत पुराने हैं इनमें काली में। उड़ान बहुत है काली है, मद्रासी में तो मिल जाते हैं, पंजाबी में काले नहीं मिलते, चिट्टी सफेद आती है इसके में, आंखों में लाल पन है थोड़ा, यही तो गुलाबी पन कह लो, जर्रे जो बोलते हैं, जर्रा छीटे 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 सी हैं। तो ओवरऑल ये भाई कबूतर हैं जो उड़ने वाले हैं, कुछ जोड़े हैं वो दिखा देते हैं आपको, बाकी इनाम आपको भाई सारे दिखाई दिए, कुछ जोड़ों का शौक कराते हैं आपको। चलिए ये जोड़ों में से हैं जिनके बच्चे उड़ेंगे, हाँ ये उड़े हुए हैं हमारे पहले, उड़ा के पहले रोक रखे हैं ये, पुराने उड़े हुए हैं, आंखें बड़ी एंटीक है इसकी, ये उड़े हुए हैं पुराने, इनके सैंधों के ही बाप है, ये इसी कबूतर का बाप है, अच्छा उसका बाप है ये, हाँ
इनमें क्या ऐसी खासियत है इनमें? ये खासियत होती है, कितने साल उड़ा लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अच्छा, वजूद वैसे बना रहेगा। हाँ, ये उड़ान का 8 साल 10 साल कितने उड़ा लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अच्छा, मोस्टली इन्हीं के ही है सारे हैं बच्चे जो मद्रास। ये बस एक कलसरे का जोड़ है ये। अच्छा, नया इनका एक बच्चा भी है कलसरे का पहली तरफ। ये इनकी आँख का शौक करा जी नादिन, इसकी आँख का शौक करा। और ये कल सिला नजर है, इसकी आंखें ज्यादा अच्छी है मादिन से। लेकिन रिजल्ट क्या है इनके बच्चे? रिजल्ट बहुत तगड़ा है। अच्छा, रिजल्ट अच्छा है, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। बच्चा दिखाता हूँ इनको मैं, घरे वाले दिखा दूसरे। अच्छा, ये वाला उसी का पट्टा है जोड़े का, बाप पे ये है तो पूरा। आंख कैसी है? एक माँ पे भी है। कितने साल का हो गया पट्टा? तो सारे पट्टे भाई उस वाले जाल में है, आपको दिखाते हैं अभी। और ये मोड़बंद गांव में भाई, ये दीपक मोड़बंद, दीपक मोड़बंद के नाम से जो कबूतर में सारी बाजू में उड़ते हैं इन्हीं के नाम से। ये कलचरा पूरी गर्दन का भरा, गर्दन का भरी, गर्दन का, आंखें बड़ी मस्त है, उड़ान बहुत है इनमें। ठीक है, तो भाई ये सारे पट्टे हैं, ये भी सारे उड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, कुछ पंजाबी हैं, कुछ मद्रासी हैं। बैठक देखिए कितने छोटे पतले वजूद के। तो भाई इस बार के जो कुछ इनाम लगे थे, हाई प्रोफाइल वाले इनाम हैं, तो ये देख लीजिए आप, शौक कर लीजिए इनाम का। आईपीए का जो उड़ा था 13 मई 2018 को, ठीक है भाई, 11 मद्रासी कबूतर उड़े थे इसमें 102 घंटे 42 मिनट। जो दूसरा इनाम है भाई, ये दिल्ली इंडा पिजन वाला, इसमें 2 दिसंबर 2018 को 25 कबूतर उड़े थे, 345 घंटे 27 मिनट बने थे। फिफ्थ इनाम लगा था इसमें, जो दो ही नाइट उड़ाए थे हमने, दोनों में इनाम था। अच्छा, दोनों में इनाम था। 1 दिसंबर 2019 में 17 कबूतर उड़े थे 260 घंटे 5 मिनट, इसमें ब्रेक होगी। 1 दिसंबर को उड़ा था ये 2019 में जो था ये वाला, ये 2 दिसंबर को उड़ा था ये 2018 में, 2 दिसंबर को 2018 में 345 घंटे बने थे इसमें भी। और एक इनाम ये है ऑल इंडिया में 25/11/2018 को उड़े थे 23 कबूतर, मद्रासी पंजाबी का, इसमें भी 239 घंटे 1 मिनट का टाइम नोट किया गया था सभी कबूतरों का। बहुत ही बेहतरीन इनाम जीते हमने। अच्छा, इसमें हाँ, ये बाइक जीती थी, फर्स्ट इनाम जो लगा था मोटरसाइकिल का है। हाँ, और अब दोबारा ये सारे उड़ेंगे, इसमें अब हरे हरे उड़ाएंगे, कुछ वैसे मिक्स हैं लेकिन एक ही नस्ल के हैं, एक ही ब्लड है सारा, तो वो भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके। ये देखिए, ये बीन पहलवान वाली एक ही नस्ल है, आनंद बीन पहलवान। अच्छा अच्छा, मोड़वन से बीन पहलवान, बीन पहलवान जी के जो नस्ल है उनके कबूतरों का भाई शौक कर रहे, एक ही नस्ल के सारे हैं, देख लीजिए आप, बहुत उड़ान है इनमें लोग, बहुत से लोग बैन लगा जब से उड़ते आ रहे हैं, जब बैन। अच्छा, मद्रासियों में सारे, ये पंजाबियों में बैन लगाया था, पंजाबियों में तो बैन लग गया था, उसके बाद से मद्रासी जोड़ रहे हैं, यही उड़ते आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने सारे नाम जीते हैं। हाँ, ये इनाम इन्हीं की नस्लों में से, मतलब कुछ पंजाबियों के भी हैं इनाम। अच्छा अच्छा, भाई राम राम, ठीक है, और कुछ ये हैं इधर वाले जाल में भी दिखा। कोल्ड ड्रिंक क्या पता है?
गिलास भी खोखले तो लेटर वाले संग गिलास क्या खाते